रखा गया है रखने वाले के द्वारा आप सभी को अतिथियों का एक बार मैं पूरा हार्दिक स्वागत करता हूँ और करता रहूँगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहली बार इस क्षेत्र में कुश्ती का आयोजन रखा गया है और इस कुश्ती का आयोजन करता मधुबनी प्रमुख प्रतिनिधि माननीय श्री बी एस सिंह चंदन जी के द्वारा रखा गया है और इन्होंने सोचा कि कुछ पहलवानों के लिए भी किया जाए। इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ पहलवानों की सोच काफी अच्छी है। गुड्डू को बता नाम गुड्डू जी अगला नाम बोलिए कौन आएगा। लाल बच्चन पहलवान बरवा और गोलू पहलवान बहुत झा इसके बाद से लाल बच्चन पहलवान बरवा और गोलू पहलवान बहुत झा बहुत झा तैयार रहेंगे। जस्ट उसके बाद सुबह पहलवान पटवाना और गोलू पहलवान बरवा और हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में आदरणीय हम लोगों के गार्जियन चाचा जी श्री तारा सिंह जी विजय यादव जी मुखिया जी चिंगरी बनई दास जी बगहवा आशुतोष सिंह जी मास्टर साहब आप चारों लोगों के द्वारा पहलवानों का सम्मान होगा। ये चारों लोग आप लोग तैयार रहेंगे कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पे आपके चित्र में व्यामशाला के परिसर में एक अखार पंचायत है एक अनोखी पहल हुई है आपके प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भाई श्री विजय सिंह चंदेल जी के द्वारा कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र है हम सभी को गौरवान्वित करता महसूस दिखाई दे रहा है और एक से बढ़कर के काम और एक से बढ़कर के योजनाएं चलाई जा रही है। कुश्ती के बाद में आप अपनी सभी भाइयों अपने लड़कों को आप तैयार करें व्यायामशाला चालू करवाया जाए हमारे प्रमुख जी के द्वारा आप लोगों को उसमें विशेष व्यवस्था दी जाएगी। इसके बाद लाल बच्चन बरवा लाल बच्चन पहलवान बरवा और गोलू पहलवान बदल झाट तैयार रहेंगे। जस्ट उसके बाद लक्ष्मण पहलवान मद्रहा और सोनू पहलवान दुदही लाल बच्चन पहलवान बरवा और मात्र एक मिनट का समय शेष बचा है भोला यादव जी के द्वारा और समय निकलता हुआ मात्र एक मिनट समय बचा हुआ है और दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर अपना मार करते हुए और देखे कौन पहलवान किससे हाथ जीत माता है। अभी तक दोनों ही जोड़ी बराबरी थे और रेफरी महोदय ये पहलवानों को समय बोला है आप भी समय तीस सेकंड मात्र तीस सेकंड बचा हुआ है तीस सेकंड अभी तक लगभग बराबरी की ओर समय समाप्त दोनों ही जोड़ी बराबरी पे